Hello guys, welcome back to the channel. Our previous video was about NDA NA written examination and today's topic is SSB interview. So if you guys have missed that video, you can simply click on the link above and watch that video. So chaliye shuru karte hain SSB interview ke bare mein. So SSB interview is a 5 days process in which the candidate will be examined on his medical, physical and psychological abilities. So SSB interview ek 5 days ka process hai jisme candidate ka mental, physical and medical ability ko test kiya jata hai. Selection ka jo process hai wo day one se start ho jata hai. To day one mein aapko report karna hota hai, wo aapka reporting day hota hai. Us din aapke documents check honge, aapko originals sare documents ke carry karne hain. Dhyan rakhiye agar aap ओरिजिनल नहीं ला पाते हैं या आप नहीं शो कर पाते हैं तो आपका वहीं पे रिजेक्शन हो जाएगा. उसके बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है, तो फॉर्म आपको फिल करना होता है, एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं. मेक श्योर कि आप सारे डिटेल्स करेक्टली फिल करें, एक भी गलत डिटेल आपका रिजेक्शन का रीज़न भी बन सकता है. तो डे वन में इतना ही होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है. असली जो इंटरव्यू है वो डे टू से स्टार्ट होता है. डे टू में आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है. तो आइए देखते हैं डे टू का क्या प्रोसेस है. तो डे टू टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला स्टेज वन और दूसरा स्टेज टू. तो स्टेज वन में बेसिकली स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग में दो टेस्ट होते हैं, पहला है वर्बल नॉन वर्बल और दूसरा है पीपीडीटी. तो वर्बल नॉन वर्बल ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है. वर्बल नॉन वर्बल के बाद आपका पीपीडीटी टेस्ट होता है. तो पीपीडीटी बेसिकली स्टोरी राइटिंग और डिस्कशन वाला पार्ट है. इसमें आपको 30 सेकंड्स तक एक पिक्चर दिखाई जाएगी. पिक्चर मीन्स एक इमेज दिखाई जाएगी, फोटो दिखाई जाएगी स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर. 30 सेकंड बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपको 3 मिनट मिलेंगे. उस पिक्चर के बेसिस पे आपको अपनी एक स्टोरी लिखनी है कि आपने उस पिक्चर को देख के क्या समझा, आपके हिसाब से क्या स्टोरी बन सकती है. स्टोरी लिखने के बाद 3 मिनट के बाद अब एक एक करके जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब अपनी स्टोरीज नरेट करेंगे, मीन्स सुनाएंगे. फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 13 to 14 के ग्रुप्स में आप डिवाइड हो जाओगे. अपने अपने ग्रुप में रह के आपको फिर एक कॉमन स्टोरी आना है, मतलब कि सब अपने अपनी स्टोरी सुना चुके हैं. अब जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में आप लोगों को अपनी स्टोरीज को मिला जुला एक कॉमन स्टोरी बनानी है, ठीक है, और उस कॉमन स्टोरी को ग्रुप का कोई एक कैंडिडेट नरेट करेगा. तो ये हो गए दो टेस्ट स्टेज वन के. ध्यान रखिए पीपीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे मोस्टली आप इंटरव्यू में आगे बढ़ेंगे. ये दोनों टेस्ट होने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा. जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनको एक नया चेस्ट नंबर मिलेगा, और जो इसमें रिजेक्ट हुए हैं उनको ट्रैवल अलाउंस के साथ रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा. तो एग्जांपल के तौर पे पीपीडीटी में आने वाला एक इमेज आपके स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह के इमेजेस आपको शो किए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको स्टोरी लिखना है. तो अब बात करते हैं स्टेज टू टेस्ट के बारे में, उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिफाई कर गए हैं स्टेज वन में. तो स्टेज टू टेस्ट बेसिकली आपकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है. टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है इसमें, तो आपको टाइम बहुत मेंटेन करना है, गिवन टाइम के अंदर में ही आपको आंसर्स देने हैं. तो जो पहला टेस्ट है उसका नाम है टेट. तो इसमें आपको 11 यानी 11 पिक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे, इमेजेस आपको दिखाए जाएंगे. हर एक इमेज 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पर रहेगा, उसके बाद आपको 4 मिनट मिलेंगे उसके ऊपर एक स्टोरी लिखने के लिए या एक डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए. 4 मिनट के बाद वापस से एक और इमेज आपको शो किया जाएगा 30 सेकंड के लिए, वो डिसअपियर हो जाएगा, फिर आपको उसके बारे में स्टोरी लिखना है. जो लास्ट स्लाइड होगा या जो लास्ट इमेज होगा वो ब्लैंक होगा. टेट का एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर ये रहा. जो सेकंड टेस्ट है वो है वैट, WAT. तो वैट में क्या होगा, वैट में आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे, मीन 60 वर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे बैक टू बैक. हर एक वर्ड स्क्रीन पर 15 सेकंड्स के लिए होगा, और उस 15 सेकंड्स में आपको एक सेंटेंस बनाना है उस वर्ड से जो आपके माइंड में सबसे पहले आ रहा है. तो वैट का एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर ये रहा. जो थर्ड टेस्ट है उसका नाम है SRT. तो SRT में बेसिकली आपको 60 सिचुएशंस दिए जाएंगे, उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है.
टाइम आपको 30 मिनट्स मिलेगा, मतलब आधा घंटा मिलेगा, तो आधे घंटे में आपको 60 सिचुएशंस को फिल करना है, उसको कंप्लीट करना है। एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, और जो फोर्थ टेस्ट है वो है एसडी, एसडी मीन सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो आपको अपने बारे में लिखना है कि आपके बारे में आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स क्या सोचते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखें, ये टेस्ट आपकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए है, आपकी थिंकिंग स्पीड को चेक करने के लिए है कि आप कितनी जल्दी सोच सकते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। कुछ भी गलत मत डालिए, ठीक है, मैनिपुलेट करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, जो सच है वही लिखिए। अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या बना के लिखेंगे तो आगे चलकर इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं डे थ्री की। तो डे थ्री में जो भी टेस्ट हैं वो एक फील्ड टास्क होगा, ठीक है। तो इसमें आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी, आप ग्रुप में कितने अच्छे से काम करते हैं, आप सबके साथ मिलकर कितने अच्छे से टीम वर्क करते हैं, इसके ऊपर है। ध्यान रहे कि डे थ्री के जो फील्ड वर्क है उसमें आप कॉम्पिटिशन मत कीजिएगा किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ, ठीक है। आप जितना सपोर्ट करके चलेंगे, जितना आप टीम वर्क करेंगे, जो पॉइंट्स हैं वो उतने अच्छे होंगे और आपके चांसेस आगे जाने के ज़्यादा हो जाएंगे। जो पहला टॉपिक है वो ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन में आपको दो टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आपको डिस्कस करना है अपने ग्रुप में, और मोस्टली जो टॉपिक्स है वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। जो सेकेंड टास्क है वो है GPE, मतलब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको मैप दिया जाएगा, हर एक कैंडिडेट को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग मैप। उसके बाद आपको ग्रुप में इसको डिस्कस करना है, सबने इंडिविजुअली जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले हैं उसको ग्रुप में डिस्कस करना है और एक कॉमन सॉल्यूशन के साथ आना है। फिर उसके बाद ग्रुप में से कोई भी एक कैंडिडेट खड़ा होकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा यूजिंग पॉइंटर एंड मैप। द थर्ड टेस्ट इज PGT, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको पार करने हैं, आपको सपोर्टिंग मटेरियल्स दिया जाएगा, जैसे कि रोप हो गया, प्लैंक हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये टोटली एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप टास्क है, तो ग्रुप में इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज HGT, मतलब हाफ ग्रुप टास्क। तो हाफ ग्रुप टास्क में क्या है, बिल्कुल PGT के बराबर है, जैसा PGT है वैसा ही है हाफ ग्रुप टास्क, बट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द ग्रुप विल बी डिक्रीज टू हाफ। तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे PGT में वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे, मतलब ग्रुप मेंबर्स कम हो जाएंगे। तो जो फिफ्थ टास्क है वो है IOT, मींस इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क। इसमें आपको 10 ऑब्स्टेकल्स कवर करने हैं, पार करने हैं इंडिविजुअली, अकेले, ठीक है। इसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो सिक्स्थ टास्क है वो है कमांड टास्क। कमांड टास्क में आपको कमांडर बनाया जाएगा और आपको अपने ग्रुप के कैंडिडेट्स या पूरे कैंडिडेट्स में से किन्हीं दो या तीन कैंडिडेट्स को चूज करना है एज योर सबऑर्डिनेट, जो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा या सपोर्ट करेगा। कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे आपके सामने जिनको आपको पार करना है विद द हेल्प ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट्स जिनको आपने सेलेक्ट किया है उनके मदद से आपको वो ऑब्स्टेकल्स पार करने हैं। तो बेसिकली क्या है, इसमें आपके कमांडिंग पावर को जज किया जाता है, एबिलिटी को जज किया जाता है। जो सेवन्थ टास्क है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है स्नेक रेस। तो बेसिकली ये सारे ग्रुप्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। एक स्नेक मतलब एक सांप के तरह का एक मोटा रस्सी आपको दे दिया जाएगा, आपके ग्रुप को उस पूरे रस्सी को होल्ड करके कुछ ऑब्स्टेकल्स पार करने हैं। सभी ग्रुप्स एक दूसरे से कम्पीट करेंगे इस पर्टिकुलर टास्क में। एट्थ टास्क इज इंडिविजुअल लेक्चरेट, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक कैंडिडेट को लेक्चर देना होगा 3 मिनट्स तक एटलीस्ट ऑन अ गिवन टॉपिक। 4 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, उन चारों में से आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करना है और उसके ऊपर आपको 3 मिनट्स तक लेक्चर देना है। ये इंडिविजुअली है, सबको देना है। लास्ट टास्क है वो है FGT, मीन्स फाइनल ग्रुप टास्क। ये PGT की तरह ही है, जैसा वहाँ पे ग्रुप टास्क हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी एक ग्रुप टास्क होगा, और ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है आपके पोटेंशियल को शो करने का। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है फोर्थ डे में। तो पर्सनल इंटरव्यू मोस्टली जो SSB के प्रेसिडेंट हैं वो लेते हैं। इसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस पे, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो आपको बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन पे आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। एक भी गलत मूव आपके ड्रीम को ख़त्म कर सकता है। तो फिफ्थ डे में कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस एक इंटरव्यू की तरह है जिसमें जो इंटरव्यूअर है, जो आपकी इंटरव्यू लेंगे, वो पूरे बोर्ड के मेंबर्स होंगे जो आपके सामने बैठे होंगे।
आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बेसिकली ये नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, जनरल क्वेश्चंस होता है कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, क्या सीखा आपने, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. वो स्टूडेंट्स जो बॉर्डर पे हैं, मतलब जिनके पॉइंट्स थोड़े कम हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, अगर वो चाहें तो वो पूछ सकते हैं. उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका नेम फाइनलाइज किया जाए या ना किया जाए. सो नाउ आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस सिलेबस. आपको पता है अब सिलेबस कैसा है, कैसे तैयारी करनी है. काफ़ी तरह के बुक्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और भी ऑनलाइन पोर्टल्स पे, मार्केट में SSB से रिलेटेड, NDA NA से रिलेटेड. वो बुक्स आप परचेज़ कीजिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए NCERT बहुत थरली पढ़िए. इंपॉर्टेंट बुक्स के कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सी बुक्स अच्छी हैं और उनको आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें. So this is it for today. We'll come up with another career topic in the coming week. Till then, Jai.